सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मुस्लिम समुदाय में रोष है। जुम्मे की नमाज के बाद देश भर के कई शहरों में प्रदर्शन देखने को मिला। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, लखनऊ और प्रयागराज में भी भारी प्रदर्शन देखने को मिला। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में सुरक्षा व्यवस्था के साथ किसी तरह का खिलवाड़ ना हो और यदि ऐसा होता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बीते 3 जून यानी शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद कानपुर में भी हिंसा भड़क गई थी। कानपुर हिंसा के बाद बीते दिन पहले जुम्मे की नमाज थी। ऐसे में प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर रहे, जिसके बावजूद प्रदेश के कई जनपदों से हिंसा की खबरें सामने आई, जिनमें मुरादाबाद, प्रयागराज समेत कई जनपद शामिल है। तो ये आप तस्वीरें इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। बीते दिनों जो हिंसा हुई प्रयागराज, मुरादाबाद, सहारनपुर की तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, जहां कानपुर हिंसा के बाद पहली बार जुमे की नमाज हुई थी। इस दौरान भी कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस प्रशासन जहां एक तरफ पूरी तरह से मुस्तैद था, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे, जिसके बावजूद भी ये हिंसा की तस्वीरें सामने आई, जहां पत्थरबाजी करते हुए उपद्रवी दिखाई दिए। प्रयागराज में पुलिस पर जो दंगाई है वो पत्थर बरसाते हुए नजर आए। मुरादाबाद में पुलिस को काले झंडे दिखाए गए, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। ये सभी तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से बीते दिनों पूरी जनता ने देखी थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुरादाबाद से हमारे संवाददाता शाहरुख जुड़ चुके हैं। शाहरुख, बीते दिनों जो जुम्मे की नमाज हुई थी उसे ब्लैक फ्राइडे कहा जा सकता है, वहीं आज अब एक नए दिन की शुरुआत हुई है, तो क्या कुछ माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है मुरादाबाद का? मुस्लिम समुदाय है और नमाज अदा करते अपने घर को गए, तो कुछ नौजवान आए जिन्होंने नारेबाजी की, उसको समझाया तो वे अलग अलग नारेबाजी, और बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगे। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो पुलिस से वसूली करने लगी, जिसके बाद पुलिस ने हल्का फल्का प्रयोग करा तो वो लोग यहाँ से चला गए। हालांकि इस मामले में अब पुलिस ने शुरू कर दिया है, रात ही पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया है और 10 नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जबकि लगभग रात तक 80 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, अब 10 और बढ़ाकर 90 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। और पुलिस सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों की मदद से आरोपियों को पकड़ने की तलाश लगातार जारी है। अगर शाहरुख देखा जाए तो 90 अज्ञात ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, तो पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ पुलिस का एक्शन प्लान आगे पुलिस ने तैयार किया हुआ है? देखिए, रात जब रात ही तो DIG सलम माथुर और खुद SSP अहमद कोटियाल सड़क पर उतरे और आसपास घूम रहे लोगों 30 लोगों को हिरासत में लिया है। उसके बाद 12 मोटरसाइकिलों को सीज भी किया है और मुगलपुरा थाने में ले गए, जिसके बाद अभी पुलिस जांच कर रही। हालांकि अब सवाल ये बड़ा है कि जो 90 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, पुलिस को यह भी देखना है कि जो निर्दोष है उसके खिलाफ कार्रवाई न हो, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। शाहरुख, अगर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, तो आखिर फिर ये हिंसा कैसे हो गई? देखिए, जिस तरीके से ये लोग नमाज पढ़कर आ रहे थे, मुस्लिम समुदाय के जुम्मे की जामा मस्जिद में नमाज अदा की, उसके बाद घर आए, तो कुछ नौजवान थे, बताया जा रहा है 15, 16, 17 साल तक की उम्र बताई जा रही है, और उन्होंने नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने समझाया कि असामाजिक तत्व आए जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की, तो पुलिस ने एक्शन लिया है। कहीं ना कहीं अब शांति व्यवस्था कायम है। आप देख सकते हैं, मैं उसी इलाके में खड़ा हूँ, मुगलपुरा थाना क्षेत्र का इलाका है, पूरे सही तरीके से पूरे रोड सुचारू रूप से चल रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे लोग आ जा रहे हैं, पूरी तरीके से पुलिस भी सीधे और मेरे मौजूद है, साथ को पुलिस भी यहाँ पूरी तरीके से चौकसी नजर आ रही। आप देख सकते हैं ये वही मुगलपुरा थाना क्षेत्र का इलाका है जहाँ कल प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि पुलिस के लिए दिखाएं, जिस तरीके से पुलिस कर्मी मौजूद है, लगातार पुलिस यहाँ पर लगी हुई है जो शांति व्यवस्था कायम करा रही है। ये वो रास्ता है जामा मस्जिद को जाता है, जहाँ पर लोगों ने कल प्रोटेस्ट किया था, जिस शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, मगर कुछ नौजवान आए जिन्होंने उनके प्रदर्शन को खराब कर दिया और नारेबाजी की। तो ये वो पूरा इलाका है जहाँ अभी घटना हुई थी, अब पूरी तरीके से रोड सुचारू रूप से यहाँ चल रहा है, तो इस तरह की कानून व्यवस्था बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर अब
शाहरुख, इस वक्त देखा जाए तो वहाँ आप घटना स्थल पे मौजूद है जहाँ पर ये घटना हुई थी, वहाँ पर पुलिस भी मौजूद है, तो आप पुलिस से बातचीत करने की कोशिश करें कि इस वक्त वहाँ का माहौल कैसा बना हुआ है। देखिए अभी यहाँ जो मौजूद है वो आला अधिकारी कोई मौजूद नहीं है, पुलिस कर्मी यहाँ मौजूद है, तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई ये मेरे सीधा आपके पुलिस कर्मी मौजूद है और शांति व्यवस्था बनाए रखने की नहीं रखा है, तो यहाँ पर शांति व्यवस्था पूरी तरीके से नियंत्रण है। हम कुछ लोग बात करना चाहेंगे कुछ पुलिस से, किस तरीके की सर यहाँ व्यवस्था कायम है? ठीक है सर, आप किस तरीके की व्यवस्था कायम हो, क्या स्थिति में? शांति है, खूब आराम से जा रहे हैं, आ रहे हैं लोग, खूब बढ़िया है। देखिए साफ तौर पर इनका कहना है लगातार यहाँ पर पुलिस मौजूद है और शांति व्यवस्था पूरी तरीके से कायम है, और जिन लोगों ने भी ये प्रोटेस्ट को खराब किया और दंगा कराने की साजिश रची, पुलिस उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कई अन्य इलाकों से पुलिस ने लोगों के हिरासत में लिया है, उनका रास्ते पूछताछ जारी है। शाहरुख, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दंगे की शुरुआत उद्योग नगरी कानपुर से हुई थी और वहाँ जो दंगाई है उनके पोस्टर जनपद में खुलेआम चौराहे पर लगाए गए हैं, तो क्या मुरादाबाद में भी कुछ ऐसी तस्वीरें आगामी दिनों में देखने को मिलेगी? नहीं, अब जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी समझ रहे हैं इस बात को, और कल यानी के गुरुवार को मुरादाबाद समाजवादी पार्टी से एसटीएफ ने भी ज्ञापन दिया था नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर, उसके बाद चेहरे इमाम ने भी एक ज्ञापन दिया था और मुस्लिम समुदाय से अपील की थी कि वे जुम्मे की नमाज अदाकर अपने घर चले आए, मगर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने माहौल खराब किया, तो पुलिस अब उनकी तलाश कर रही है। निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई की पुलिस बात कर रही है। लेकिन शाहरुख, अगर देखा जाए तो इस दौरान जुम्मे की नमाज से पहले पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था, लेकिन एकाएक सड़क पर इतनी भारी भीड़ इकट्ठा हो गई तो पुलिस को कैसे अंदेशा नहीं हुआ, और आखिर इतनी भारी मात्रा में लोग बीच सड़क पर पहुँच कैसे गए? देखिए जामा मस्जिद का जो इलाका है काफी छोटी छोटी गलियां हैं और जुम्मे के दिन आए दिनों के मुताबिक पब्लिक ज्यादा होती है, तो जुम्मे की नमाज अदा करने आते हैं लोग, और जुम्मे का दिन एक अफजल एक अच्छा दिन माना जाता है, इसलिए काफी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करने आते हैं। लेकिन शाहरुख, अगर देखा जाए तो पुलिस द्वारा संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी करी जा रही थी, तो आखिर पुलिस से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? जी ये सवाल ये निशान है, अभी इसमें हमने इसमें एसएसपी से बात की तो उनका कहना है जिस तरीके से ड्रोन कैमरे थे या सीसीटीवी थे या और पुलिसकर्मी जो वीडियोग्राफी कर रहे थे उसके आधार पर जो कार्रवाई की जाएगी, निश्चित तौर पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की भी है। खुद डीआई सलभ माथुर और मुरादाबाद एसएसपी हेमंत कोडियाल दौरे पर थे और रात लगभग 30 लोगों को हिरासत में भी लिया है और वाहनों की चेकिंग की, तो बताया जा रहा है 12 मोटरसाइकिल को सीज कर दिया है, सीसीटीवी कार्रवाई की है, मुगलपुरा थाने ले गए और अभी पुलिस फिलहाल कई लोगों की हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रही। शाहरुख, इस वक्त आप मौके पर मौजूद है तो हम आपसे अपील करेंगे कि आप एक बार हमारे दर्शकों को भी वहां की तस्वीरें दिखाएं कि इस वक्त वहां सुबह का माहौल कैसा बना हुआ है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये मेरे सीधी और ये इंदिरा चौक को रास्ता जाता है, यहाँ पर भी पूरी तरीके से आप रोड सुचारू रूप से चल रहा है, लोग आ जा रहे हैं और लोग समझ रहे हैं और कोई भी इस तरीके का प्रदर्शन देखने को नहीं मिल रहा। कुछ लोगों ने जो साजिश रखी थी तो उसमें कहीं ना कहीं माहौल खराब हुआ था मुरादाबाद का। मुरादाबाद गंगा जमनी तहजीब का शहर माना जाता है और यहाँ मुस्लिम समुदाय और सभी धर्मों के मिलजुल कर रहते हैं और आपस में मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं। ये वो रास्ता है जामा मस्जिद से जाता है, मुगलपुरा थाना क्षेत्र का रास्ता है, यहाँ आगे जामा मस्जिद है जहाँ लोगों ने नमाज अदा की थी और इसी रास्ते से घर को जा रहा था। हालांकि कल जब नमाज हुई तो यहाँ पर कई अन्य इलाकों से काफी दूर दूर से लोग नमाज अदा करने आए थे, वो अपने घर को जा रहे थे, मगर बताया जा रहा है कुछ नौजवान थे जो गलत बयानबाजी कर रहे थे, पुलिस उन्हें लगातार समझा रही थी, वो समझ नहीं पा रहे थे, तो लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। उसके बाद कुछ समाज सेवी भी यहाँ रोड पर उतरे और पुलिस का सहयोग करा, प्रशासन का सहयोग, कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय ने भी प्रशासन का सहयोग करा है। अब पुलिस इस मामले में ये जांच कर रही है कि कोई भी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई न हो, जो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। शाहरुख, अगर देखा जाए तो इस दौरान हिंसा से जो भी तस्वीरें सामने आई उसमें ज्यादातर बच्चे नाबालिग नजर आए, यानी उनको बरगला कर ये करवाने की कोशिश की गई है, तो पुलिस अब उनके खिलाफ किन धाराओं में केस दर्ज करेगी? देखिए बिल्कुल, तो 10 लोगों के खिलाफ नामदर्ज जो रिपोर्ट दर्ज करी है पुलिस ने, बताया जा रहा है उन लोगों ने नाबालिग बच्चों को उकसाया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की, वही नाबालिग बच्चों के खिलाफ किशोर अधिनियम तहत भी कार्रवाई की गई है। धन्यवाद शाहरुख इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुरादाबाद से आपने सीधी तस्वीरें देखी कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है, वहां की स्थिति अभी नियंत्रण में है, जबकि जिस जगह पर ये मुरादाबाद में हिंसा हुई थी वहां पर इस वक्त पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है, यानी कि जनपद में इस वक्त शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है। साथ ही अगर ये भी बताया जाए तो बीते दिनों कई तस्वीरें ऐसे आए जिसने दिल को झकझोर कर रख दिया, कई जगहों तो
जो दंगाई है उन्होंने पुलिस पर भी पत्थरबाजी की है, पुलिस को भी घायल किया है। ये तस्वीरें पूरे प्रदेश ने कल देखी थी, जहां एक तरफ ये दावा किया जा रहा था कि जुम्मे की नमाज से पहले पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगहों से हिंसा की तस्वीरें आई और दहला देने वाली तस्वीरें उस वक्त देखने को मिली प्रदेश में जब पुलिस पर पत्थर बरसाए गए। जो दंगाई है उन्होंने घर की छतों को अपना अड्डा बनाया पुलिस पर पत्थर बरसाने के लिए। इस दौरान प्रयागराज की स्थिति सबसे ज्यादा संवेदनशील बनी हुई थी, जहां पर उपद्रवी लगातार पुलिस पर पत्थर बरसाते हुए नजर आ रहे थे। इस दौरान सड़क पर गाड़ियां भी जलाई गई, पुलिस के साथ बदतमीजी की गई, डीएम की गाड़ियों पर पत्थर बरसाए गए, खुद डीएम पर पत्थर बरसाए गए। ये सारी तस्वीरें उस प्रदेश से सामने आ रही है जिससे अब उत्तम प्रदेश का नाम दिया जाता था। तो अब ये चारों तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग जनपदों से देख सकते हैं, जहां बीते दिनों जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन देखने को मिला था। नमाज के बाद लगातार जहां एक तरफ सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे, जिसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन की लापरवाही कहीं ना कहीं देखने को मिली कि अगर भारी संख्या में लोग ऐसे इकट्ठा होते हैं तो आखिर पुलिस को कैसे जानकारी नहीं मिली। लखनऊ, सहारनपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, ये वही जनपद है जहां पर कल हिंसा हुई थी, जहां से हिंसा की खबरें सामने आई थी, जहां पर नारेबाजी की गई थी, पथराव किए गए थे, पुलिस पर पत्थर बरसाए गए थे। आपको बताते चले कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर प्रदेश के कई जनपदों में लगातार कल प्रदर्शन देखने को मिला, जहां एक तरफ धारा 144 लागू की गई थी, उसके बावजूद भी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, इनकी तस्वीरें आप अभी भी देख सकते हैं किस तरह सड़क पर सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए, जबकि प्रयागराज में पुलिस पर पत्थर भी बरसाए गए हैं। लेकिन अगर वही बात की जाए तो आज एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो कानपुर से एक इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, कानपुर से एक बड़ी खबर आपको बताते रहे, आपको बताते चले कि जुम्मे की नमाज को लेकर जो हिंसा हुई थी उसके बाद अब दंगाइयों पर कार्रवाई की जा रही है। आज फिर गर्जा, प्रशासन का बुलडोजर, अवैध रूप से बनी थी बिल्डिंग जिस पर प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ नजर आया है, केडीए के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। मोहम्मद इश्तियाक है बिल्डिंग मालिक, छावार का पूरा मामला इस वक्त सामने आया है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त कानपुर से निकल के सामने आ रही है, उद्योग नगरी में एक बार फिर गर्जा है प्रशासन का बुलडोजर। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह लगातार कानपुर में बुलडोजर की कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जा रही है। इसकी लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीर आप इस वक्त प्राइम टीवी पे देख सकते हैं, जहां कानपुर जिसको उद्योग नगरी कहा जाता है, जहां 3 जून को हिंसा देखने को मिली थी, जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय ने प्रदर्शन किया था, वही अब इस मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। वही अब बुलडोजर की कार्रवाई कानपुर में देखने को मिल रही है, जिसकी तस्वीरें भी आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीधी तस्वीर हम आपको कानपुर से दिखा रहे हैं, जहां बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है प्रशासन के द्वारा। अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कानपुर से हमारे संवाददाता उपेंद्र अस्थाना जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, इस वक्त कानपुर में प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। कानपुर हिंसा का जो मेन आरोपी था, जो इलाका था, जो जिसकी बिल्डिंग थी, ये उसका बहुत करीबी मित्र माना जाता है, और इसको लेकर के प्रशासन जो है ना कहीं अलर्ट होते जा रहा है। और ये जो बिल्डिंग बनी हुई है स्वरूप नगर की बेना जावर बनी हुई है, और आप पता चले जो बिल्डिंग बनी हुई है इसको कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा और उत्तर प्रदेश मेट्रो द्वारा जो है इस बिल्डिंग को जो है ध्वस्तीकरण किया गया है। उपेंद्र, ये बिल्डिंग किसकी बताई जा रही है जिसका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है? मोहम्मद इलियाकत जो है, जो जफर का जो खास आदमी था, जो कि इस टाइम प्रेजेंट टाइम में जेल में है, और ये जो है ऐसी बिल्डिंग उसकी और ही बिल्डिंग है, हो सकता है कानपुर प्रशासन, जिला प्रशासन जो है जल्द और ही बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाएगा। यानी कि उपेंद्र, ये माना जाए कि कानपुर में हुई हिंसा को लेकर अब पुलिस प्रशासन जो है अलर्ट है, और अब प्रशासन का बुलडोजर भी वहां चलता हुआ नजर आ रहा है। जी, आप बता, प्रशासन का बुलडोजर स्वाभाविक बात है, और सूबे के मुख्यमंत्री का पहले ही आदेश था कि अगर आरोपी नहीं आते हैं सामने तो उनके जो आवास बने हुए उनके आवासों पर जो है सरकारी संपत्ति जो है वो जब्त कर ली जाएगी और उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा। ये पहले ही सूबे के मुख्यमंत्री ने आदेश कर रखा था जिला प्रशासन को।
उपेंद्र, और कौन कौन से ऐसे आरोपी हैं जिनके खिलाफ ये बुलडोजर की कार्रवाई हमको आगामी दिनों में देखने को मिल सकती है? जी आवेदन है, और भी कई आरोपी है, जिसमें अभी जफर का जो है जो आज है जो जफर को पुलिस ने कानपुर में 48 घंटे की रिमांड पे लिया है, हो सकता हो इसमें सपा विधायक है जो है उनका जो है जो संपत्ति है, हो सकता है उनकी संपत्ति पर भी बुलडोजर चले। उपेंद्र, अगर देखा जाए तो इस मामले को लेकर लगातार जो है हर दिन एक नए खुलासे देखने को मिल रहे हैं, तो अभी तक इस मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है, बीते 24 घंटों में पुलिस ने और क्या कुछ एक्शन लिया है? 24 घंटे में देखा है तो अभी गिरफ्तारी जो अभी नहीं हो पाई थी, तभी बराबर चल रही थी, केवल जो 54 लोग गिरफ्तारी अभी तक पहले हो चुकी थी वही गिरफ्तारी हो चुकी है, और कल जिसमें 5 लोग पूछताछ के दौरान छोड़ा गया था। जी उपेंद्र, अगर देखा जाए तो इस मामले में कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि नाबालिगों को बरगला कर ये हिंसा करवाई गई है, तो इस वक्त पुलिस जो है वो नाबालिगों पर कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज करेगी या क्या कुछ कार्रवाई पुलिस नाबालिग पर करेगी? जी आपको बताते चले जो पुलिस ने जो है नाबालिगों के लिए जो धारा की गई है वो सेम धाराओं में भी तक प्रधान जेल भेजा गया अभी तक, तो और अभी जांच का विषय ये है कि एटीएस जो है वो जमीनी स्तर में काम कर रही है, और जब तक एटीएस पूरी जो 4 टीम एटीएस गठित कर रही है वो रिपोर्ट देगी, उसके बाद जो है न्यायालय के माध्यम से जो है उस पर जो नाबालिग है उनको बाल सुधार गृह भेजा जाएगा, या नहीं आरोपी होंगे तो उनको जो है बेल आउट किया जाएगा। जो मुख्य आरोपी जफर हाशमी का नाम निकल के सामने आ रहा था बीते दिनों, ये भी खबरें हमें सुनने को मिली कि करोड़ों के जो पैसे का लेन देन है वो उनके अकाउंट से किया गया, तो इस मामले पर अभी तक अधिकारियों का क्या कुछ बयान सामने आया है? अधिकारियों का साफ कहना है, आज सुबह कमिश्नर जो है कानपुर उन्होंने बताया कि जफर के जो करोड़ों रुपए के अकाउंट का ट्रांजेक्शन हुआ था उसमें जो है कानपुर के 2 बिल्डर्स जो बहुत करीब बिल्डर्स हैं उन बिल्डरों के नाम आ रहे हैं, और उन बिल्डर्स को संभवतः शाम तक या कल सुबह तक जो है उनकी गिरफ्तारी संभव है और उनकी संपत्ति बुलडोजर चलेगा। उपेंद्र, इस मामले में कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि कई ऐसे मान्यवर हैं जिनके भी नाम होने की आशंका जताई जा रही है, तो क्या पुलिस ने अभी तक इन नामों का खुलासा किया है? जी अभी तक पुलिस ने नामों का खुलासा नहीं किया है। आप पता चले जब सितंबर 2021 में जफर आसमी के अकाउंट से जो 1 करोड़ रुपए निकाला गया था वो केवल चुनाव के लिए दिया गया था, जिसमें केवल कई नेता थे जिनको चुनाव फंडिंग जफर आसमी ने की थी। उपेंद्र, अगर देखा जाए तो इनका नाम CA NRC के मामले में भी सामने आया था, तो पुलिस प्रशासन द्वारा आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरती गई? शायद अगर उस वक्त ये कार्रवाई की जाती तो हमें कानपुर हिंसा जैसी तस्वीरें नहीं देखने को मिलती। जी जावेद, जफर आजमी जो इससे पहले जो विवाद में आया था उसमें पुलिस में जो ASP अनवरगंज जो थे उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, उन्होंने सब कुछ कागज में केवल देखा जाए दस्तावेज खिलवाड़ किया गया था, उसके बाद ASP अनवरगंज कमार खान को जो है उसको जो है इस टाइम जांच बैठा ली गई उनके ऊपर, उनको सस्पेंड कर दिया गया वर्तमान समय। उपेंद्र, इस वक्त देखा जाए तो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, तो तकरीबन उस वक्त आज जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है उसमें करीब कितने रुपयों की संपत्ति जो है वो ध्वस्तीकरण किया गया है, और उस वक्त पुलिस प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है? अगर देखा जाए तो संपत्ति आज के समय में वो जो जिसमें आज बुलडोजर चला है उसकी संपत्ति 3 से 4 करोड़ रुपया है, और आप पता चले कि जो अभी शहर काजी से जिनका बयान आया था कि अभी पिछले 2 दिन पहले कि अगर बुलडोजर चला तो खून की नदियां बहेंगे नहीं सड़क से, और उसके बाद जो शहर काजी है उन्होंने अपना जो बयान है वो फिर बदल दिया, उन्होंने कहा अमन शांति चैन की बात करने लगे हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो संवेदनशील इलाके हैं उस पर पुलिस अभी अपना कंट्रोल नहीं कर पाई है पूरा। उपेंद्र, आगामी और कितने दिनों तक ये बुलडोजर की कार्रवाई चलने की उम्मीद जताई जा रही है? जी आपको बता चले जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो जल्द से जल्द की जाएगी, आज जो है जफर को जो है पुलिस ने 48 घंटे की रिमांड पर लिया है, हो सकता है कल एक नया बहुत बड़ा खुलासा होगा जिसमें कई सफेदपोश नेताओं के नाम उजागर होंगे। उपेंद्र, अगर देखा जाए तो जफर हाशमी तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस हिंसा के पीछे मेन आखिर मास्टरमाइंड कौन था जो जफर के खातों में पैसे डाले गए निकाले गए, क्या उन सभी का नाम इस वक्त सामने आ चुका है या अभी तक नहीं आया है? जी आपको पता चले अभी तक नाम तो नहीं आया, पर इतना जानकारी मिली है कि जो फंडिंग होती थी वो विदेशों से फंडिंग होती, MS जोर एसोसिएशन जो इन्होंने बनाया था NGO बनाया था उसमें उस अकाउंट में पैसा आता था, और वो पैसा केवल विदेशों से आता था, अभी क्लियर नहीं हो पाया कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, किसको देना है, अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 141 ग्रुप जो है जिसमें जफर आजमी जो है अपना जो इस हिंसा को लेकर अपडेट किया हुआ था और कुछ पैसा ट्रांसफर करता था लोगों को, मतलब हिंसा करने के लिए कि ये इतना पैसा ट्रांसफर करा आपको ये करना है वो करना है, मतलब देखा है तो RSS तक तो जो है उस पर जो उठा रहे हैं। यानी कि उपेंद्र, कहा जाए कि ये जो हिंसा कानपुर में हुई थी इसको लेकर काफी एक लंबे समय से प्लानिंग की जा रही थी, तब इसके बाद इस पूरी हिंसा को अंजाम दिया गया। जी जी बिल्कुल।
अगर उपेन देखा जाए तो कहीं ना कहीं जब ऐसी हिंसा होती है तो जो पुलिस के मुखबिर है उनको इस बारे में जानकारी कहीं ना कहीं पहले जरूर मिल जाती है, तो आखिर पुलिस को इतनी बड़ी जानकारी क्यों नहीं मिली? क्योंकि कहीं ना कहीं जो बीते दिनों कल हमने दंगे देखे उसकी फसाद की जड़ कानपुर ही माना जा रहा है, क्योंकि वही से इन दंगों की शुरुआत हुई थी। जी आपको बताते चले, जो 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 यहाँ पे जफर आसिफ वाला जो दंगा हुआ 3 तारीख को दंगा हुआ था पिछले जुमे को, वो जो इससे पहले जो है कानपुर में जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कार्यक्रम आयोजित आना था उनको, और उससे पहले 2 दिन पहले यानी कि मतलब 28 तारीख की रात को एसीपी अनवरगंज को, सीओ बेगमगंज को और चौकी प्रभारी सद्भावना चौक नसीम अख्तर को जो है इस मामले की पूरी जानकारी थी। अगर ये पुलिस चाहती तो ये इतनी बड़ी हिंसा है ये ना होती। इन्होंने अपने आला अधिकारियों को जवाब नहीं मतलब नहीं दिया और बाजारी बंदी को लेकर के इनका प्रदर्शन पहले से ही तय था कि हमको ये करना है, पर ये नहीं तय था कि हिंसा इस लेवल पर थी कि वो पेट्रोल बम डाला मारा जाए और जो पथराव किए जाए और जो सरकारी संपत्ति उसको नुकसान पहुँचाया जाए। धन्यवाद उपेंद्र स्थाने इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बड़ी खबर इस वक्त कानपुर से निकल के आ रही है, जहां कानपुर में दंगाइयों के खिलाफ अब अतिक्रमण की कार्रवाई चालू हो चुकी है, वही जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और अवैध अतिक्रमण पर लगातार प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें आप इस वक्त प्राइम टीवी पे देख सकते हैं, जहां पर जो दंगाई है उनकी संपत्ति पर कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जा रही है। योगी सरकार ने पहले ही ये निर्देश दिए थे कि अगर अपराधियों और दंगाइयों ने खुद से आके सरेंडर कर दिया तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन ये कार्रवाई मुख्यतः उन्हीं पर की जाएगी जिन्होंने अभी तक सरेंडर नहीं किया है पुलिस के सामने। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कानपुर की, ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्राइम टीवी पर चल रही है, जहां पुलिस प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर गरजता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।